अभी अभी क्या था कि कोरोना वायरस की तो जय हो बोलो, कोरोना वायरस जय हो कोरोना वायरस की। इतनी सारी परेशानियां बढ़ा दी है उसने कि मतलब हम लोग, हमारा निकलना दुश्वार हो गया, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि कोरोना वायरस दिख जाए तो उसका गला दबा दिया जाए, पहले पहले उसका किस्सा ख़त्म करें, फिर बाद में हम लोग फ्री हो जाए, तो ऐसा है सीन है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 हो जा रहा है, 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक घर में रहा। फिर मैं सोचा बाहर चलते हैं थोड़ा टहलने के लिए। उसका सीन है वो है इधर, ये इधर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है और ये खाली रोड। तो हमने सोचा कि भीड़ भक्कड़ में जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, तो कृपया करके हम खाली जगह चलते हैं जहां पे थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट हो। अब तो ये मार्क्स भी निकालने में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं यहाँ ना दिख जाए, वहाँ ना दिख जाए। इतना तो इंसान को किसी से डर नहीं रहता जितने उस कोरोना वायरस से डर लग रहा है। लोग कहते हैं कि मौत आएगी आएगी तो तब डरा जाएगा, बट यहाँ पे क्या, वो तो खड़ी है गेट खोल के कि आप आइए और एंट्री मारिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ इस वायरस से। मैं डर के मारे न्यूज़ नहीं देखता, कॉमेडी सी वीडियो देखता हूँ ताकि मन और दिल बहला रहे। इतने केसेस आ रहे हैं सामने कि दिल जो है बैठ जाता है, और इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। मात्र महज आदमी 20 से 25 दिन में ही स्वर्गवास के लिए सिधार जाता है। तुल जी का परिचय आपने देख लिया, सारा परिचय बता दिया इसने कि क्या डर है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है। मतलब डर के मारे इसने न्यूज़ नहीं देखी। तो सीन ऐसा है कि कोरोना वायरस का कहर इतना है ना कि ये दिल की धड़कने बढ़ जा रही। तो हमारी जो राम प्यारी है, मैंने इसको सैनिटाइज किया, मैंने सैनिटाइज किया कि हमको डर ना लगे, इसको डर ना लगे। आप लोग को पता है कि क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले किसी से हाथ और गले मिलाने से पहले कि अपने हाथों को धो लें एकदम अच्छे से, जिससे कोरोना वायरस दूर ही चला जाए, ठीक है? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अभी थोड़ा सा एक राइड मारते हैं, घूम के आते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं अपनी बाइक से, फिर आपको सीन कुछ अलग सा दिखाते हैं। यस, हम कोरोना जीत जाएंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा कोरोना से जीतेगा। 2000 years later। अतुल कह रहा है कि गेहूं मतलब आटा, जिससे आटा बनता है, मतलब उधर जैसे गांव एरिया होता है ना, तो हर जगह थोड़ा रूरल एरिया होता है, तो वहाँ पे खेत होते हैं, तो खेत में क्या होता है, कुछ बोया जाता है, तो वैसे ही गेहूं। तो हम लोग वहाँ चलते खेत, मतलब आपको लगेगा कि इतनी ग्रेटर नोएडा में भी खेत है, वही हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग ऊपर हैं यहाँ पे, ये देखो खेत, हरियाली आपको दिखाते, तो चलो वहाँ पे दोस्त, चलो चलते हैं। इधर से बंद है, इधर से ये पूरा बैरियर लगा हुआ है, ऐसे करके हम उधर जा भी नहीं सकते। कैसे निकलूं, फटेगा तो नहीं सर, इसको उठा के नीचे चलो, इसको उठा ले भाई थोड़ा सा। अरे वो बीच वाला उठा, बीच वाला नीचे लग जाएगी मेरे। आज आपको खेतों का नज़ारा दिखाते हैं, खेतों का नज़ारा, चला गया खेत, खेत कैसे होते हैं किसका सीन दिखाते हैं। आज गांव वाली फीलिंग आई है। हम लोग के खेत में ऐसे होते, पहले मछली पकड़ते थे हम लोग, गेहूं के बीज को डाल देते हैं खेत में, फिर उसके बाद जब इसमें पानी वानी डाल के, खाद पानी डाल के, जब ये पेड़ पौधा बड़ा हो जाता है तो इसके ये इसके अंदर से ये निकलता है, फिर ये फल है इसका गेहूँ का, और इस तरीके का है ये, देख लो आप, ले ये है इस तरीके का है, ये गेहूं है, फिर ये पक जाता है, फिर पक जाता है, फिर आटा बन जाता है, मतलब गेहूं बन जाता है, फिर आटा बन जाता है, फिर हम लोग खा लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ चलता है। तो अभी अभी हम लोग देखना है उसमें ना गिर जाए, अभी हम लोग चल रहे हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, बांध बोलते हैं तुल, इसे बांध ही बोलते हैं एक तरह से। अभी हम लोग इस पे चल रहे हैं क्योंकि पता, इधर पानी, इधर कीचड़ है, इधर पानी चल जाता है, और इधर, और इधर ये पता चले कि जूते भी गंदे होकर हम भी गंदे हो जाएंगे। ये पूरा खेत, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, हम लोग का मूड था कि चलो हम लोग खेत में ही चलते हैं, अतुल का प्लान था ये, मेरा नहीं, अतुल का प्लान था ये, इससे कुछ नहीं चलते हम लोग, कुछ 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 करें। यहाँ पे पूरे पानी वानी भरा हुआ है, हम लोग गिरे तो फिर से पानी में ही जाएंगे।
ये देखो ऐसे ऐसे ऐसा देख के ऐसा लगता है गांव की याद आती है, क्योंकि गांव में ही ऐसी फीलिंग होती है। तुल कैसा लग रहा है? मस्त, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गांव पहुंच गया हूं, घर पहुंच गया हूं, क्या करूं। सो अभी हम लोग उधर निकल के बाहर जा रहे इधर से, क्योंकि इधर बहुत पानी पानी। हो हम लोग आ गए फाइनली। देखो कैसा कैसा है ये टूटा फूटा। अतुल जा रहा उधर। तो बहुत हम लोग घूम लिए, तो 6:30 बज गए। अब लोग हम लोग चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं अब।